प्रयागराज की ओर ले चलते हैं। बताते चले, माघ मेला में भारतीय किसान यूनियन लोक द्वारा विकृत वर्ष के भांति इस वर्ष प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र के 3 दिवसीय राष्ट्र चिंता शिविर का आयोजन। किस मुद्दे को लेके आपने यहाँ पे जो है वो किया था? ये भारतीय किसान लोक शक्ति का वार्षिक शिविर है इलाहाबाद प्रयागराज में। हर साल किसान कुंभ हम लगाते हैं यहाँ, जिसपे हमारा जितने भी प्रदेश के मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, उन पर आपस में बैठ के चर्चा होती है। कार्यकर्ताओं से भी हर जिले की स्थिति पूछी जाती है। चूँकि आज चुनावी माहौल है उत्तर प्रदेश में, चुनाव आचार संहिता भी लग रही है और कोविड का भी गाइडलाइन है, तो उसको देखते हुए आदर्श आचार संहिता का सम्मान करते हुए और कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए हर जिले का एक एक प्रतिनिधित्व ही बुलाया है। कि हमने कोई बड़ा प्रदर्शन यहाँ नहीं किया है, सिर्फ ये कहा है कि जो हमारे प्रतिनिधित्व हैं वो ही यहाँ आएंगे। इसमें भारतीय किसान लोक शक्ति की जो आज राजनीतिक त्यौहार चल रहा है, उसमें ना तो हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हैं और ना किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करते हैं। भारतीय किसान लोक शक्ति संपूर्ण रूप से अराजनीतिक संगठन था, अराजनीतिक है और अराजनीतिक रहेगा। भारतवर्ष में हर इस लोकतंत्र में हर भारत के नागरिक को अपनी वोट स्वतंत्र करने का अधिकार है। इसलिए किसी के मत पे हम अपने संगठन पे कोई ऐसा दबाव नहीं है। सभी भारतीय किसान लोक शक्ति के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी जिलों, 5 प्रदेशों में जो चुनाव हो रहा है, 5ों प्रदेशों में हमारा संगठन है। 5ों प्रदेश के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सिपाही हमारे स्वतंत्र हैं। जिसको जो उचित लगे वहाँ अपना मत करें। सर, ये संगठन की मुख्य मांगें क्या हैं? संगठन की मुख्य मांग के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। सबसे पहली तो मुख्य मांग वही है कि MSP को गारंटी कानून बनाए। MSP जो सबसे न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो सपोर्ट प्राइस है, कोई लाभकारी मूल्य नहीं है। लाभकारी मूल्य की लड़ाई हमारी चलती रहेगी, लेकिन कम से कम सपोर्ट प्राइस की गारंटी हो कि सपोर्ट प्राइस हर किसान को मिलेगा। आज धान नहीं बिक रहा है उत्तर प्रदेश में, हर जिले से समस्या आ रही है कि किसान का धान अभी तक नहीं खरीदा। अरे यहाँ से भी लल्लन सिंह हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इन्हीं का है, नहीं कर पाई। किसान औने पौने में दलालों को, व्यापारियों को अपना धान बेच रहा है। तो जब भी किसान की फसल आती है बड़ी समस्या होती है, और सरकार को ऐसे संसाधन करने चाहिए ताकि किसान की फसल को वो खरीद सके। जिस चीज़ की हम उत्पत्ति करते हैं, अगर हमारी वही नहीं बिचेगी तो फसल उत्पादन में जो हमारे ऊपर कर्जा हुआ है उसको हम कैसे पटाएंगे? किसान कर्ज पे कर्जदार होता चला जाएगा, आत्महत्या बंद नहीं होंगी, और डीजल, पेट्रोल, लेबर, सारे दाम, दवाई, खाद, पानी, बिजली, इतनी महंगाई हो गई है कि कृषि लागत मूल्य आसमान छू रही है। सरकार को ये भी मंथन करना चाहिए कि कृषि लागत मूल्य कैसे घटाई जाए और किसानों को उसकी उत्पादन का लाभ कैसे मिले। अगर हमें हमारी उत्पादन का लाभ मिलने लगा तो हमारी कोई और भी मांग की हमें आवश्यकता नहीं है। हमारा लागत मूल्य घट जाए, क्योंकि डीजल, पेट्रोल सब महंगा है, बिजली महंगी है, पानी महंगा, खाद महंगा, दवाई महंगी, लेबर महंगी, बीज महंगा, सारी चीज़ महंगी है। एग्रीकल्चर आज जो हम खेती करते हैं वो मशीनरी के द्वारा करते हैं, और जब डीजल, पेट्रोल महंगा होता है तो मशीनरी की लागत भी बढ़ जाती है। तो इससे जो किसान उत्पादन कर रहा है, बहुत महंगी लागत करके फसल आ रही है किसान के घर पर, और जब वो नहीं बेच पाती है तो किसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है। इन मांगों के पीछे सारी मांग छोटी पड़ जाती हैं। आंदोलन के तहत जितने भी किसानों पर अब तक के मुकदमे हैं, आंदोलनकारी किसानों पर आंदोलन के मुकदमे, वो सरकार ने वादा किया था वो आंदोलन के मुकदमे भी वापस होने चाहिए। मांग तो हमारा 22 सूत्रीय ज्ञापन है, लेकिन सबसे पहली मांग आंदोलनकारियों के मुकदमे वापस हों और MSP का गारंटी कानून बने। सर, जिसे MSP की गारंटी के लिए जो है केंद्र सरकार बोल सरकार बंधु है, इन्हीं के वजह से तो सभी जनता तक खबर पहुँचती है क्या सरकार कर रही, क्या नहीं कर रही, कितना किसान परेशान है। वो आपके माध्यम से ही जमीन पता लगता है सभी को कि आप कितना परेशान किसान है। और आगे हम यही कहेंगे कि आपके जिस हिसाब से ईमानदारी से आप लोग काम कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे कम से कम किसानों की जो समस्या, अभी आपने एक ही रखा था हमारे गुरु जी से कि धान की, तो यहाँ की जो अवसरशाही है वो दलालों का हाथ बिक चुकी है, बहुत दलालों का हाथ बिक चुकी, वही धान लिया जाता है जो दलाल के पहले पैसे पहुंच जाते हैं उनके पास, 100 रुपया 200 रुपया कुंटल के हिसाब से उसी के धान पहले तोला जाता, जबकि किसान का कोई धान नहीं तोला जाता है। जो व्यापारी अपना, जो भी दलाल
लगे हुए, उनके दलाल सभी के दलाल लगे हुए। अभी 12 मंगे भाई प्रकरण आया तो मैंने DM से बात की, तो यहाँ सब अधिकारी के सब नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्ट भरे पड़े इसमें बगैर पैसे कोई, इसीलिए परेशान हमारा किसान है आज। भ्रष्टाचार चरम पर है। तो सर इस पे आपका संगठन क्या करेगा? अभी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आपका संगठन क्या करेगी इस पे? अब रोड पे हम लोग उतरेंगे इसे ही तो लेके, इसीलिए आज हम लोग यहाँ बैठक की हुई है। वैसे मासिक EVM का भी प्रयोग करेंगे हम लोग। और EVM ने तो सब दिखाने देखना ही, हमें आपको वही दिखाना है कि भ्रष्टाचार कैसे जाना और कैसे आना है। अनुराग गुप्ता लालवीटा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोकहित।